तो अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि सिग्नम फंक्शन है और सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू होगी वन यदि x की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू होगी जीरो एंड यदि x की वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस वन तब हमें ये प्रूव करना है कि यह फंक्शन एफ एक्स ना तो वन वन होगा ना ऑन टू होगा तो अब आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है सो प्लीज पॉज वीडियो हेयर एंड टेक आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले वन वन के लिए चेक करेंगे तो यहां फंक्शन एफ एक्स में जो एक्स है वह इसका डोमेन होगा एंड डोमेन आर है इसलिए जो एक्स है वह भी आर में बिलोंग करेगा अब हम एक्स ही दो वैल्यूज एक्स वन एंड एक्स टू एज्यूम करते हैं कि एक्स वन इज इक्वल टू टू एंड एक्स टू इज इक्वल टू थ्री एंड टू एंड थ्री भी आर में ही बिलोंग करते हैं अब यदि हम एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू निकालें तो वह एफ ऑफ टू के इक्वल होगी एंड सिंस टू एक पॉजिटिव नंबर है एंड फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि सभी पॉजिटिव नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू वन के इक्वल होगी यानी कि एफ ऑफ टू के लिए भी फंक्शन की वैल्यू वैल्यून के इक्वल होगी इसी प्रकार ऑफ ऑफ के इक्वल है एंड थ्री भी एक पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इसके लिए भी फंक्शन की वैल्यू वन के इक्वल होगी तो हम यहां से देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है लेकिन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू नहीं है इसलिए गिवन फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन एक्स की रेंज फाइंड करेंगे लेकिन हम फंक्शन की डेफिनेशन से देख सकते हैं कि फंक्शन एक्स की एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए केवल तीन ही वैल्यू हो सकती है या तो वन या जीरो या माइनस वन यानी कि फंक्शन एफेक्ट्स की रेंज होगी माइनस वन कॉमा जीरो कॉमा वन एंड सिंस इसका कोडोमेन रियल नंबर्स के सेट के इक्वल है तो हम यहां से देख सकते हैं कि इसका रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं है इसलिए गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा हेंस वी कैन से दैट सिग्नम फंक्शन इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू तो इस टॉपिक में हमने अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा और हमने यह भी देखा कि उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं और हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है तो वह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो अब आपको अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं